यादव को देखिए हिरासत में लिया गया। इको गार्डन यहाँ पर कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के भेजे जा रहे हैं। अखिलेश यादव को हिरासत में ले लिया गया है, इको गार्डन ले जा रही है पुलिस। यहाँ पर अखिलेश यादव को हिरासत में लेकर इको गार्डन ले जाया जा रहा है पुलिस की तरफ से। यहाँ पर पहले ही कहा गया था कि अगर कोई जाने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, धारा 144 लखीमपुर खीरी में लागू है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर राजनेता अखिलेश यादव, जिस पर उन्हें भी यहाँ पर लखीमपुर खीरी जाना है, पीड़ितों से मुलाकात करनी है और उसके बाद वो घर से बाहर निकले, धरने पर बैठे और अभी खबर है कि उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। तो अखिलेश यादव को भी हिरासत में लेकर इको गार्डन ले जा रही है पुलिस। यहाँ पर उनके पार्टी के समर्थक, उनके समर्थक यहाँ पर काफी संख्या में मौजूद है। पुलिस यहाँ पर उन्हें रोकने की कोशिश कर रही, जो आगे बढ़ रहे हैं उन्हें यहाँ पर हिरासत में लिया जा रहा है और इसी के साथ उन्हें इको गार्डन अब ले जाया जा रहा। अखिलेश यादव को भी इको गार्डन ले जाया जा रहा है हिरासत में लेने के बाद। उनकी पार्टी के कार्यकर्ता भी इस वक्त वहां पर मौजूद है। तस्वीरें देखिए, मैं लगातार आपको दिखा रहा हूं किस तरीके से यहाँ पर कार्यकर्ताओं को पुलिस गाड़ियों में भरती नजर आ रही है। कार्यकर्ताओं को यहाँ पर पुलिस अब गाड़ियों में भर कर इको गार्डन ले जा रही है। नाराज है और उन्हें पुलिस लगातार जो है ड्यूएल कर रही है, उन पर उनको गिरफ्तार भी हिरासत में ले रही है। कार्यकर्ताओं को भी तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता नाराज ये तस्वीरें किसी गाड़ी में लेके जाया जा रहा है उनको लगातार कार्यकर्ता गाड़ी का पूरी तरीके से घेराव की है। पुलिस को खासी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ी इसके ठीक बगल में जिस गाड़ी के सामने कमांडोज आपको दिख रहे हैं, वो कमांडोज ने गाड़ी को अपने घेरे में ले लिया है। सपा के रक्षा अध्यक्ष हैं, उनकी जो पर्सनल सिक्योरिटी है उसने अपने घेरे में ले लिया है। आप देखिए तस्वीरों में किस तरीके से, ये तस्वीर देखिए आगे बैठे हुए हैं। तस्वीरें देखिए किस तरीके से, ये तस्वीरें हैं, ये सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तस्वीरें हैं। सीधे तौर पर उनको अभी अच्छा में ले लिया गया है और अब उनको यहाँ पाए आवास के पास से इको गार्डन की तरफ। लेकिन कार्यकर्ताओं को लगातार वो समझा रहे हैं कि गाड़ी को जाने दिया जाए, गाड़ी को ना रोका जाए, लेकिन कार्यकर्ता पूरे जोश में है और कहीं ना कहीं इसकी वजह से पुलिस को खासी सख्ती का जो है सख्ती दिखानी पड़ रही है। तस्वीरों में साफ देखिए कि इस तरीके से सिक्योरिटी के ठीक बगल में आगे ये तस्वीरें देखिए, क्लियर तस्वीरें दर्शकों को मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से अभी तक वो धरने पर बैठे हुए थे लखीमपुर खीरी, उनको जाना था लखीमपुर खीरी, नहीं जाने दिया गया। सवेरे से पुलिस प्रशासन आरएफ जैसे तमाम जो पुलिस के लोग हैं वो घर के बाहर थे, लेकिन अब जो है करीब 1.25 घंटे तक धरने पर बैठे थे। धरने पर बैठे के बाद उनको अलग गाड़ी में लेके जाया गया। रामगोपाल यादव और उदयवीर सिंह, आनंद भदौरिया, संजय लाठर, ऐसे तमाम जो विधायक हैं उनको अलग गाड़ी में लेके जाया गया। तस्वीरें देखिए कार्यकर्ताओं का हुजूम लाल टोपी और झंडों के साथ आगे आपको देखने को मिल रहा है। भारी सुरक्षा के बीच में एसएचओ की गाड़ी में उनको लेके जाया जा रहा है और यहाँ से वो रवाना हो गए हैं। कुछ ही देर में उनको इको गार्डन कार्यकर्ताओं के साथ भेजा जाएगा। तो यहाँ से लगातार संघर्ष के बाद पुलिस प्रशासन को यहाँ से सपा मुखिया को उठाने में सफलता मिली और यहाँ से उनको हिरासत में लेकर के अब इको गार्डन भेजा जा रहा है। लगातार कार्यकर्ता अगल बगल है, साथ में है। सुबह 8:30 बजे से ही गहमा गहमी के बीच में अखिलेश यादव अपने घर से गाड़ी से निकले थे, लेकिन उनको वहीं पर रोक लिया गया। वो जो है लखीमपुर खीरी जाने के लिए जिद करते रहे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने नहीं जाने दिया। ऐसे में उन्होंने धरने के ऊपर बैठने का आह्वान किया अपने कार्यकर्ताओं के साथ, वो धरने पर बैठ गए और अब करीब 1 घंटे के धरने के बाद अब वो यहाँ से उनको पुलिस रवाना कर चुकी है और इको गार्डन लेके जा रही है। तो लगातार जो तस्वीरें हैं वो हम दर्शकों को दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से आज ये पूरी सियासत लखीमपुर खीरी को लेकर के चल रही है। और अखिलेश यादव कल से ही मन बना चुके थे कि वो जाएंगे लखीमपुर खीरी, हालांकि उन्हें जाने जरूर नहीं दिया गया, लेकिन वो धरने पर बैठ गए। तो लगातार ये तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ, हुजूम देखने को मिल रहा है, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। किस तरीके से कार्यकर्ता लगातार उनकी गाड़ी के आगे आगे चल रहा है, हालांकि उनकी जो पर्सनल सिक्योरिटी गाड़ियां हैं वो भी साथ में लगाई गई है, लेकिन पुलिस प्रशासन लगातार
मुर्दाबाद किनारों के साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के समर्थन में पहुंचे। अब ये काफिला विक्रमादित्य चौराहे पर पहुंचा है। आप देखिए तस्वीरों में ये हुजूम आपको दिखाई पड़ रहा होगा और लेट कर कार्यकर्ता लेट करके प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे चौराहे पर कार्यकर्ता लेट गए हैं। ये तस्वीरें हैं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को हिरासत में लेने के बाद की। ये विक्रमादित्य चौराहे की तस्वीरें हैं। कार्यकर्ता महिला कार्यकर्ता हो पुरुष कार्यकर्ता हो सारे कार्यकर्ता एकदम से लेट गए हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि उनकी गिरफ्तारी जो हिरासत में लिया गया है उन्हें छोड़ा जाए और उनको छोड़ करके और लखीमपुर खीर जाने दिया जाए। जहाँ किसानों के साथ न्याय की बात करने जा रहे थे अखिलेश यादव वहाँ उनको जाने दिया जाए। तो आप देखिए सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता सड़क पर लेट गए हैं। पुलिस प्रशासन उन्हें उठाने का प्रयास भी कर रहा है क्योंकि पीछे गाड़ी है जिसपे अखिलेश यादव को हिरासत में लिया गया है। तो ऐसे में वो गाड़ी निकल नहीं पाएगी अगर इनको उठाया नहीं गया। कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और हजारों की संख्या में पुलिस प्रशासन उनको काबू करने का प्रयास कर गाड़ी में ले जाया जा रहा है। उस गाड़ी में कार्यकर्ता चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस को खासा संघर्ष करना पड़ रहा है अब की बार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इको गार्डन ले जाने के लिए। पिछली बार इतना संघर्ष नहीं करना पड़ा था लेकिन इस बार एक बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है पुलिस को। मुश्किल से 100 मीटर गाड़ी आगे बढ़ी है लेकिन कार्यकर्ता फिर से सड़कों पर लेट गए हैं। ऐसे में उनको निकालना मुश्किल पड़ रहा है। वो नीली गाड़ी जो दिख रही है उसी पर अखिलेश यादव सवार है और अब उन्हें ले जाने का